गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो बस अभी मैं मॉर्निंग में उड़ रही हूँ और आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए क्योंकि आज मेरे यहाँ बर्तन धोने वाली नहीं आई थी सुबह सुबह। तो पहले तो मैं उसका वेट कर रही थी और मैं भी देर से ही उठी थी, लगभग 7:15 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड जब टहल के आए तो कहे सोती ही रहोगी क्या? मैंने कहा अरे यार नींद नहीं खुली आज। और ये रहता ना कि जब सवेरे मॉर्निंग में कोई जिम्मेदारी जैसे रहती है ना तो ऑटोमेटिक अपनी नींद खुल जाती है। और कल मैं 4:30 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे सारा कुछ बनाना था, इसलिए मैं 4:30 बजे ही उठ गई थी। और आज तो लग ही नहीं रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने स्कूल में खाना था, जैसे कभी वहाँ पे खाना बनता है ना तो कभी कभी वही खा लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में था चलो थोड़ा सा और सो ले। और कल मैं लेट 11:30-12 बजे के लगभग सोई हूँ क्योंकि वीडियो अपनी इसी तरह एडिट करती रहती हूँ तो टाइम हो गया था, तो सुबह नींद नहीं खुली। फिर 7:15 बजे मैं उठ गई तो फिर मैंने देखा कि बर्तन धोने वाली नहीं आई है, तो फिर मैंने कहा अरे, तो फिर मैं फिर झाड़ू पोछा की। झाड़ू पोछा करने के बाद बर्तन धोई, फिर हमारी सास तब से नहा ली। ससुर हमारे कहे चलो इनको नहला देते हैं, धोती बदला दो। मैंने कहा ठीक है आप नहला दो और उसके बाद फिर हम नहाएंगे। तो फिर नहलाए उन्हें, धोती बदलाएँ, तो फिर हम अपना हम भी फिर नहाए, नहा के पूजा किए हैं जस्ट। और हम नहाने के पहले दाल चढ़ा, मतलब दलिया चढ़ा दिए थे, दलिया डाल दिए थे और दाल पछोड़ बिन करके उसको भी मैंने डाल दिया था। फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा के आई तब दाल उतार के रख दी क्योंकि बगैर नहाए खाना हमारे यहाँ नहीं बनेगा 15 दिन तक, तो इसलिए मैं छुई नहीं, केवल चढ़ा भर दी थी। उस वक्त नहा के आई हूँ तब उतारी हूँ गैस में से, क्योंकि 15 दिन बहुत ही अच्छे से करना होता है ना, तो क्योंकि पित्तर लग गया है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैं बस अभी पूजा वूजा की हूँ और मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे तो सास ससुर हैं जिनके नहीं रहते वो पूजा वूजा नहीं करता है। और मैंने ना चाय चढ़ा रखी है तो वही उबल रही थी, तो वही मैं अभी उसको थोड़ा सा चम्मच से हिलाई क्योंकि ऊपर आ जा रहा था। तो बस हमारी दाल दलिया बन गई है और आज मैं सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊंगी। रोज़ रोज़ सब्जी बनाना, सब्जी रखी है, भिंडी रखा है, करेला रखा है, लेकिन नहीं बनाऊंगी आज। सिंपल खाना दलिया बन गई है, दाल और अपने लोग के लिए थोड़ा सा चावल डालूंगी और आटा मैंने लगा करके रख दिया है। और आज मैंने ये देखिए शाम को भिगा दी थी मेथी और ये अजवाइन, तो अभी उसको मैंने उबाला है तो अभी मैं पी रही हूँ। और कहते हैं ये फैट कटर ड्रिंक होता है, जैसे मैं आज आपको बताती हूँ, जैसे आप लोग क्योंकि मेरा भी शरीर आप लोग देख रहे होंगे फैटी है, मोटी है शरीर, हाँ, तो क्योंकि ये मेरी शरीर मतलब जैसे एक होता ना शरीर एक ठोस होती वो ठेस नहीं, ये स्वेलिंग वाली शरीर है मेरी, मतलब शरीर को मेरे सुजा रही है। मुझे है हाइपोथायराइड तो जिसकी वजह से शरीर मेरी फूल रही है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत खाना खाते हैं, नहीं, एक दो रोटी खाया और फिर सुबह फिर शाम को और यही एक कप सुबह चाय एक शाम को चाय और बस यही इतना हमारा जो है फूड है। ये भी नहीं है कि हाँ बहुत उटपटांग खाते हो दिन भर चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी शरीर जो है फूल रही है क्योंकि थायराइड दो तरीके से होता है, एक हाइपर थायराइड एक हाइपो थायराइड जो है। तो मुझे जो है ना शरीर को स्वेलिंग करने वाली थायराइड है, तो मैं जब सुबह सुबह उठती हूँ ना तो मेरे चेहरा एकदम सब सूजा उजा रहता है। आप लोग देखे होंगे अभी मेरा चेहरा भुरी आया है और ये हाथ पैरों में भी आप ये देखिए ये पूरा मतलब स्वेलिंग स्वेलिंग रहता है जो है, लेकिन फिर भी मैं इतनी एक्टिव रहती हूँ। मैं आप लोगों को आप लोग देखते होंगे मैं इतनी फैटी होने के बावजूद मैं डांस कर लेती हूँ चल कूद लेती हूँ, तो जी हाँ क्योंकि ये मेरी बचपन की हॉबी है। मैं बचपन से ही मुझे डांसिंग बहुत पसंद था, मैं अपने स्कूल कॉलेज में हर कंपटीशन में भाग लेती थी। इलाहाबाद जितने भी कॉलेज हैं मैं सब कॉलेजों में मेरी टीचर मुझे ले जाती थी और हर जगह से फर्स्ट प्राइज ले करके आते थे जो है, तो डांस मेरा बचपन से ही मेरी हॉबी रही आई है। तो शरीर वैसे भी मेरी डांस के मामले में बहुत लचीला है, तो बहुत से लोग बोलते हैं आप इतनी मोटी हैं फिर भी डांस कर लेती हैं, तो हाँ कोई बात नहीं क्योंकि बचपन से आदत पड़ी हुई है ना, मतलब शरीर लचक है डांस के लिए,
मुझे इसलिए महसूस नहीं होता कि मैं मोटी हूँ। और क्योंकि हम अगर सीढ़ी अगर चढ़ लेते हैं ना, तो जैसे किसी का फ़ोन आया, नीचे नेटवर्क नहीं है, सोचती हूँ छत में चली जाऊँ बात कर लूँ ना, तो सीढ़ी में बाद में मतलब सांस फूलने लगती है एकदम, ऐसे होता हफरने लगती हूँ। तो अभी मुझे यहाँ जाँच कराने जाना था, 3-4 दिन से बोल रही हूँ। थायराइड की जाँच है, पूरा लिपिड प्रोफाइल जिसमें सब कुछ होता है, कोलेस्ट्रॉल, और मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा होता है, बड़ा रहता है, क्योंकि मेरा गाल ब्लैडर निकल गया है, पथरी हो गई थी मुझे। मैं इसके बारे में भी आपको अपनी तीसरी जर्नी भी शेयर करूँगी। मैंने 2 जर्नी शेयर की है आप लोगों से, एक जो है अपेंडिक्स की जब 11 साल की थी, और दोबारा अभी मैंने वीडियो बनाया है, आज मैं अपलोड कर दूँगी। अभी मैं नहीं कर पाई, मुझे टाइम नहीं मिला है, तो मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगी, और जो ये वीडियो बना रही हूँ इससे पहले अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना, और मैं इसमें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग जाके देख लेना। तो मैंने टॉन्सिल की भी जर्नी शेयर कर दी है, तो अभी आप लोग पे एडिट कर दूंगी। तो अभी तीसरा भी है, मेरा गाल ब्लेडर मेरा नहीं है, निकल गया है, उसमें मुझे पथरी हो गई थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी मुझे। ये भी जर्नी शेयर करूंगी मैं अपनी लाइफ की, जो है दो तो शेयर कर चुकी हूँ और तीसरी भी करूँगी। तो इसलिए क्या होता है ना, थोड़ा सा खाना होना जैसे हैवी खाना मसालेदार यदि खा लो ना, थोड़ा थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में बड़ी दिक्कत होती है। और दूध वगैरह मैं बिल्कुल, जैसे रात में अगर दूध खा लूँ ना, तो मेरे पेट में बहुत ही गैस बनती है, तो सुबह फिर फ्रेश नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूध दूध से अवॉइड करती हूँ। और मुझे मतलब 1-2 साल से मुझे हल्का सा थायराइटिस टाइप का है, ठंडी में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मेरी उंगली वगैरह ये सब सूज जाता है, चलने फिरने में इस तरह मुट्ठी बांधने में कोई काम करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अभी तो भगवान से प्रे है इस बार ऐसी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरी दवा चल रही है इलाहाबाद, हड्डी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर SP सिंह है, आनंद हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो मैं हर महीने उनको दिखाती हूँ। अभी इधर ज़्यादा दिन हो गया है, क्योंकि दवाई मेरे हस्बैंड, क्योंकि समय नहीं था जाने का, तो वो 1 महीना की फिर से दवाई लेके आए हैं, तो वही मैं सोच रही थी जाँच वाँच, क्योंकि इधर बहुत व्यस्तता है, अभी दोनों बच्चे बाहर जाना है उन्हें पढ़ने लिखने, तो अभी थोड़ा सा व्यस्तता है जो है, और कितना पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च होता है, ये सब आप लोग जितने भी भाई बहन हैं जिनके बच्चे हैं सभी लोग जानते होंगे कि काफ़ी जो है खर्च होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी आराम है, फिर मैंने वही दवाई 1 महीने की मंगा ली है, तो खा रही हूँ मैं। तो इसलिए ना मैं थोड़ा मसाले वगैरह से अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, इधर थोड़ा सा एक्सरसाइज 1-2 महीने से मैंने बंद कर रखा है, ना योगा कर रही हूँ ना एक्सरसाइज कर रही हूँ, नहीं शरीर थोड़ा सा मतलब सही थी। तो ये है फैट कटर ड्रिंक जो है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। मेरी चाय उबल रही है, 1 मिनट। तो ये है फैट कटर ड्रिंक, तो इसको मतलब क्या है ना, अगर जिनकी शरीर फैटी है मैं उनके लिए बता रही हूँ, और जो जिनको थायराइड है या जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, जो थोड़ा सा अपने आप को वेट लूज़ करना चाहती हैं, तो आप लोग सोचेंगे खुद तो नहीं कीजिए, हाँ मैं बहुत कोशिश करती हूँ, आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैं नहीं करती, मैं बहुत करती हूँ कोशिश, 1-2 रोटी खाती हूँ, हाँ चावल मेरी कमजोरी है, मैं खा लेती हूँ जिस दिन बनता है, लेकिन जिस दिन चावल खाती हूँ उस दिन रोटी को अवॉइड करती हूँ, रोटी नहीं खाती हूँ। लेकिन हम क्या करें, मेरी समस्या ही है, मेरी शरीर को सुजाने सूज फूलती है, बादी वाली शरीर है, अगर मैं बैंगन वगैरह खा लूँ ना तो मतलब, और सुबह उठती हूँ तो चेहरा वगैरह में स्वेलिंग रहता है जो है, तो ये तो क्या करें, ये इसके लिए तो मेरे पास कोई समस्या का निदान ही नहीं है, करूँ क्या मैं। तो ये चीज़ जो है, ये है फैट ड्रिंक कटर, तो इसको हमारी एक भाभी है, योगा वाली भाभी है, उन्होंने बताया था, तो मैं कभी कभी इसको भी लेती हूँ। और 2-3 और ड्रिंक है, जैसे इसमें है, रात को मैंने आधा चम्मच अजवाइन, छोटा चम्मच अजवाइन, अगर छोटा चम्मच है तो 1 चम्मच, बड़ा चम्मच है तो आधा चम्मच अजवाइन, और 1 चम्मच मेथी मैंने रात को पानी में भिगा दिया है। और सवेरे जो है क्या कहते हैं इसको, मैं अब खाली पेट लेना है सवेरे, इसको मैं जो है गर्म पानी में इसको खूब उबाल लेना है, ताकि उसके जो भी है ना वो सारा उसमें पानी में उतर आए उसका रसा, फिर ये छान करके आपको 1 गिलास लेना है, मतलब चाय पीने के पहले सुबह खाली पेट, और 15 दिन आपको इसको पीना है, फिर 15 दिन आपको जीरा पानी लेना है, रात में जीरा पानी में 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो होता है 1 चम्मच जीरा फुला दीजिए, और सवेरे उसको जो है पानी में उबाल लीजिए,
जब पूरा उसका सारा रस निकल जाए तो उसको छान करके एक गिलास दीजिए, उसको भी 15 दिन लीजिए, क्योंकि जीरा क्या है ना, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वैसे भी डाइजेस्ट सिस्टम को भी ठीक करता है। तो मैं 15 दिन उसको ले चुकी हूँ और अब इसको लेना शुरू स्टार्ट की हूँ, तो इसको भी मैं ले रही हूँ। थोड़ा गर्मी थी इसलिए अजवाइन को अवॉइड कर रही थी, लेकिन मैं इसको फिर 3-4 दिन से लेना शुरू कर दी हूँ। तो ये हो गया जीरा पानी, 15 दिन आप लीजिए बदल बदल करके। और फिर ये मेथी और ये अजवाइन, इसको आप 15 दिन ले सकते हैं। और इसके बाद आप जो है 15 दिन पीने के बाद, और जिनको दालचीनी से मतलब गर्मी होती है तो वो थोड़ा सा ठंडी आ जाए, तो फिर 15 दिन आप थोड़ा सा दालचीनी, इतना लकड़ी दालचीनी, और उसमें डाल लीजिए 2 ठो काली मिर्च, उसको उबाल रात को रख दीजिए, या तो ऐसे ही सुबह उसको पानी में डाल दीजिए, 2 ठो काली मिर्च कूच के डाल दीजिए और उबलने दीजिए। जब उसका सारा मतलब रसा निकल जाए फिर उसको छान के एक गिलास रोज खाली पेट लीजिए 15 दिन। तो ये 3 ड्रिंक हो गए मैंने बताया, एक जीरा पानी, एक मेथी अजवाइन का पानी 15 दिन, 15 दिन आपको दालचीनी और काली मिर्च 2 ठो, 2 से ज़्यादा नहीं, उसको आप ले सकते हैं। और तीसरा, 3 हो गया, चौथा हो गया, आप फिर 15 दिन, 15 15 दिन लेना है, ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार नहीं लेना। फिर आप 15 दिन सौंफ ले लीजिए, 1 चम्मच सौंफ, छोटा चम्मच, 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए, और 1/2 चम्मच मेथी ले लीजिए, ठीक, और 1/2 चम्मच जीरा ले लीजिए, हाँ 1/2 चम्मच जीरा ले लीजिए, और 1 चुटकी काला नमक ले लीजिए, और इन सब को, और अजवाइन ले लीजिए, अजवाइन, इन सब को आप पानी में सवेरे या तो रात में भिगा दीजिए, या तो फिर सवेरे पानी में उबाल लीजिए खूब, जब उसके सारे रसा मतलब वो हो जाए फिर इसको छान के आप 1 गिलास लीजिए, 15 दिन लीजिए। पर देखिए, तो मैं लेती हूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बता रही है खुद नहीं करती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, गॉड, मैं सब कुछ लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर हर सबकी शरीर से अंतर होता है। मेरी शरीर बादी शरीर है, मैं बैगन है, चावल है और दही है, मट्ठा है, ये सब चीज़ अगर मैं खा लूँ ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सेम है, अरबी है, ये सब चीज़ मैं अवॉइड करती हूँ। पता है आपको, बैंगन मुझे बहुत पसंद है, बैंगन का चोखा, बैंगन की सब्जी, बैंगन की कलौंजी, पर मुझे बहुत नुकसान करता है, मेरी शरीर बादी शरीर है, तो इस वजह से मुझे डॉक्टर ने तो ये सब चीज़ को टच भी करने के लिए मतलब मना किया है, लेकिन मजबूरी है, कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ जो है। तो आप लोग करिए जरूर, क्योंकि मेरी शरीर और आपकी शरीर, सबकी शरीर अंतर होता है। तो आप ये लोग अब जो भी अपना फैट अपना लूज करना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग इसको करके जरूर देखिएगा कितना फायदा होता है शरीर में। और जो जानते होंगे इनके गुण वो तो सोचेंगे कि सच में मैडम सही बता रही हैं। तो आप 15 15 दिन ले करके देखिएगा जो है। मैंने 4 ड्रिंक आपको बताया है ना, जीरा पानी, मेथी अजवाइन का पानी, और दालचीनी काली मिर्च का पानी, और मेथी अजवाइन सौंफ जीरा और काला नमक, ये का पानी 4 है। एक और है, मुझे भी ध्यान नहीं है, उसको भी मैं बताऊंगी। ये चारों को आप 15 15 दिन लेना शुरू कर दीजिए। जो भी वेट लूज करना चाहते हैं देख लीजिएगा कि अगर मतलब ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद ले लीजिए, और शाम को भी ले लीजिए, आप शाम को भी ले सकते हैं, सोने, खाना खाने के बाद सोने से पहले आप इसको ले सकते हैं। पर मैं एक मीटिंग लेती हूँ, रात में नहीं लेती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे ऐसी समस्या है कि थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन ऐसा नहीं है मैं घर के सारे काम करती रहती हूँ, उछल उछल कूद कूद के सब करती रहती हूँ। हाँ, लेकिन मैं थक जाती हूँ तो मुझे लगता है कि 1 घंटा मैं लेट जाऊँ तो मुझे आराम जाए। जब मैं 1 1.5 घंटा भी लेट जाती हूँ ना तो मेरी शरीर फिर से चार्ज हो जाती है, क्योंकि थायराइड में ऐसे ही होता है, जिनको थायराइड होगा वो सब जानते होंगे कि थायराइड में थकान, आप थोड़ा सा भी काम करोगे ना तो बहुत थकान महसूस होती है। तो चलिए ठीक है, मुझे खाना बनाना है, मैं कहा बातें आपको, मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूँ जो मैं करती हूँ आपसे भी शेयर कर दूँ। तो चलिए ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ और इसको पी लेती हूँ, और चाय चली, अभी मेरा बेटा भी चाय नहीं पिया, मैंने कहा अब इसको पीने के बाद ही, आधे घंटे बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, चाय वगैरह कुछ भी। चलिए ठीक है, बाद में ले गए, ठीक है, बाय बाय। यहाँ पर ये देखिए, मैं शाम को आ गई थी यहाँ पर, मार्केट गई थी, तो बस मेरा डोसा खाने का मन था, तो बस यहाँ पर मैं वही डोसा की दुकान पर बैठी थी,
यहाँ का डोसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी हमारे साथ खा लीजिए। तो डोसा था, नारियल की चटनी थी और सांभर था, तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ा सा क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ, तो चलिए आप भी से जो है एंजॉय करिए। बस यहाँ पर ये देखिए, शाम को मैं घर आ गई थी, फिर घर आने पर मैं बना रही थी आज लौकी की सब्जी, और इधर दूध पक रहा था और एक तरफ मेरी चाय बन रही थी, तो आज मैं यही बनाऊंगी। कैसे आप चलो, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं स्टैंड लगा देती हूँ, तब आप लोगों से बात करती हूँ। एक मिनट, ये लग गया। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है टाइम हो रहा है 6:30, और मैं आज चली गई थी मार्केट, और ये देखिए इवनिंग की चाय है, तो आप लोग भी पी लीजिए। और मैं किचन में बैठी हूँ, सच में ना बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन क्या है इवनिंग के समय खाना तो बनाना ही है ना। और मैं आज बना रही हूँ लौकी, जैसा कि अभी आप लोगों को दिखाया। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर काफ़ी सब्ज़ी लेकर के आए हैं, आलू लेकर के आए हैं, ये देखिए कितना ढेर सारा आलू लेके आए हैं, और इसमें है बैंगन, टमाटर आपको दिखा देते हैं, ये टमाटर है और ये बैंगन है, तो यही सब सब्ज़ी लेके आए हैं, बैंगन, टमाटर, आलू, भिंडी, ये झोले में सारा सामान अभी लेकर के आए हैं। और मैं चली गई थी आज थोड़ा सा मार्केट, जैसे कि मैंने उस दिन आप लोगों से बताया था कि हाँ मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना है, वो एक लॉकेट था तो उसको मुझे घुमाना था, तो मैं एक दिन गई थी तो मुझे वहाँ पर पसंद नहीं आया था, मोती काफ़ी बड़ी बड़ी थी, मुझे उसका मोती का लुक अच्छा नहीं लगा था, तो आज मैं गई थी तो आज मुझे वहीं टाइम हो गया, तो आज मुझे मोती पसंद आ गई, तो मैं ब्लैक कलर का ले आई, क्योंकि ब्लैक कलर जो है ना अच्छा लगा करता है जो है, तो फिर ब्लैक कलर में छोटी छोटी मोती है उसी में मैंने घुमाया है, मैं आपको दिखाऊँगी। तो फिर वहाँ मुझे टाइम लग गया, फिर अपने दोनों बच्चों के लिए मुझे बनियाइन लेना था, लोअर लेना था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, फिर वहाँ पे टाइम लग गया, फिर मुझे मिल गई मेरी भांजी, मेरी ननंद की बिटिया, फिर वो मुझे अपने घर लिवा ले गई। तो फिर गए तो वहाँ एक लोग हैं, मतलब वो लोग आप लोग जानते होंगे, निरंकारी सत्संग से जुड़ी हैं, तो मैं फिर वो मिल गई, तो वहाँ पे टाइम लग गया आधा एक घंटा, एक घंटा तो पक्का लग गया, फिर चाय वाय बनाने लगी, चाय वाय पिए, फिर जस्ट मुझे अभी हो गया आधा घंटा आए, फिर मुझे आज डोसा खाना था, मेरा मन था काफ़ी दिन से, तो फिर मैं चली गई थी डोसा की दुकान पे, मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया है आप पे डालूंगी, आप देखिएगा। फिर मैंने वहाँ की थोड़ी सी क्लिप निकाली, और भीड़ ज़्यादा थी ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा जो हमारा ये टाउन है, सिटी है ना, थोड़ा सा गांव एरिया जैसे है, तो इससे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा करता, और मैं यहाँ की बहू हूँ ना, तो बाहर जाके इस तरह करना, जो कोई थोड़ा वो देखता है तो देखने लगता है कि क्या कर रही हैं ये मैडम, अच्छा नहीं लगा करता। तो फिर मैं बैठे बैठे मेज में थोड़ा सा क्लिप निकाली हूँ, तो आप पे डालूंगी, मॉर्निंग में जाएगा तो फिर आप देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे भी मैंने आते ही मैंने चाय बनाया, और छोटे वाले बेटे के लिए भी लाई थी डोसा और चाउमीन लाई थी, वो खा लिया, मैं तो वहीं से खा के आई थी, पर बेटे के लिए लेके आई थी। और मैंने काट लिया है लौकी और एक टमाटर, तो आज मैं यही बनाऊंगी, लौकी की सब्जी और रोटी, क्योंकि मैं इतना खा ली हूँ, मेरा पेट भर गया है, मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी थकान दूर हो जाएगी, पैदल गई थी, दूर पड़ता है, पैदल गई हूँ, पैदल आई नहीं हूँ सॉरी वहाँ दुकान में बैठी थी, फिर मैंने अपने छोटे वाले बेटे को फ़ोन किया, क्योंकि उसको दूध लेने जाना रहता है, तो फिर वो आया है, तो फिर मुझे भी लेवा लाया, तो बस मैं आई हूँ, अभी लौकी छील के काट के रख दिया है, टमाटर, चाय पी लूँ, मैं सोच रही चाय पी लूँ फिर सब्जी छाँकूँ, तो आज यही नाइट में हमारे यहाँ यही लौकी की सब्जी और रोटी बनेगी, हम तो नहीं खाएंगे, हमारा बेटा भी नहीं खाएगा, तीन लोगों के लिए बनेगा, सास ससुर के लिए और हमारे हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड को लौकी बहुत पसंद है, वो लौकी बन जाए तो बहुत खुश रहते हैं। नहीं, लौकी दे दीजिए, करेला दे दीजिए,
सादा कोहड़ा की सब्जी बना दीजिए, मतलब सिंपल खाना बहुत उनको अच्छा लगा करता है और मेरे घर में सिंपल ही जमता है। कभी त्यौहार कुछ हो तभी पूड़ी वगैरह इस तरह चीज़ें बनती है। नहीं आप लोग देखते ही होंगे मेरी रूटीन में, जब मैं दिखाती हूँ दाल चावल सब्जी रोटी करेला यही सब बनता है। आज मैं बहुत थक गई हूँ, सर दर्द कर रहा है गर्मी से, इतना ज़्यादा गर्मी है, उमस है इधर इतनी कि कुछ कहने को नहीं, बहुत ज़्यादा उमस। तो चलो भैया चाय हमारा हो गया, चलते हैं सब्जी छौंकते हैं रोटी बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खाना सास ससुर थोड़ा जल्दी खाते हैं क्योंकि उनको दवाई वही खानी रहती है और थक गई हूँ मैं। मार्केट आओ जाओ ना तो बहुत थकान लग जाती है। तो चलिए सब्जी छौंकते हैं, फिर आप लोगों से मैं अब मिलूँगी मॉर्निंग में, और आपको मॉर्निंग में ही दिखाऊंगी कि मैं क्या लाई हूँ बच्चों के लिए, ठीक है? और सुबह ही मॉर्निंग में ही दिखाऊंगी जो मैं अपना मंगलसूत्र दुहा करके लाई हूँ, और नहीं तो अभी टाइम मिलेगा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी उसकी, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट।